हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण को लेकर, अनुबंध को लेकर 12 मई का। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार का कहना है और शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि जो 2 तारीख को घोषणा की गई थी वो जल्द ही लागू की जाएंगी और उनके आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। थोड़ी समय लग रहा है लेकिन आदेश जल्द जल्द जारी किए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और उसमें बोला गया जो अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं ना, उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। जहाँ ट्रांसफ़र से कोई शिक्षक पहुँच गया है तो उनके आसपास के स्कूल में अतिथि शिक्षकों को वहाँ पे भेजा जाएगा और वहाँ पे जहाँ पद खाली होंगे वहाँ पे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक जो भी बाहर हो गए उनको रखा जाएगा। पहले अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा प्रमुख प्राथमिकता के आधार पर, और अब अतिथि शिक्षकों को निकालने पर रोक लग चुकी है। ठीक है, कोई प्रचारी अतिथि शिक्षकों को नहीं निकाल सकता, निकालता है तो आप आदेश की प्रति दिखाएं। ठीक है, फिर भी नहीं मानता तो फिर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो, क्योंकि सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है वो लागू होना चाहिए। अतिथि शिक्षकों को जो जो घोषणा की है वो जल्द ही राजपत्र में दर्ज की जाएंगी और अतिथि शिक्षकों को लिखित में दी जाएंगी। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें सुनील से परिहार जी ने स्पष्ट कर दिया है अतिथि शिक्षकों को लेकर। सुनील से परिहार जी का क्या कहना है, आप वीडियो में बने रहें। वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नई अपडेट पाने के लिए। भाई बार बार माननीय मंत्री जी अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि आपके जो आदेश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उनके जो आदेश हैं वो सब प्रक्रिया में है, तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। हम भी मानते हैं कि समय ज़्यादा हो गया, इतना समय लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि समय लग गया तो उसके अतिथि शिक्षकों के हित में प्रयास कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के हित में जो साथी मानदेय की बात कर रहे हैं, मानदेय सबको मिल जाएगा, उसका आवेदन भी हमने लगा दिया है और बजट ऑलरेडी उपलब्ध है। मानदेय की आप लोग चिंता ना करें। और अभी जो वर्तमान में एक स्थिति जो बनी हुई है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे साथ ही खुद जाके नए नए नियम प्राचार्यों को खुद बताते हैं जाके। DPI का जो आदेश था कि अतिथि शिक्षकों को जिनके स्थान पर प्रमोशन से कोई शिक्षक आ गया है उनको कार्यमुक्त ना करें, आप लोग चुपचाप अपने स्कूल जाएं, साइन करें और आ जाएं। आप उनको नए नए नियम आप खुद बताकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हो। हमने यहाँ लिख के दिया है कि जहाँ पर प्रमोशन से शिक्षक पहुँचे हैं वहाँ के अतिथि शिक्षकों को अन्य किसी आसपास में जो पद रिक्त हो वहाँ पर सरकार समायोजित करें। इसलिए आपको कार्यमुक्त वो नहीं करेंगे, और यदि किसी ने आपको कार्यमुक्त कर दिया है तो आप उसकी शिकायत करें, DO से करें, कलेक्टर से करें, DPI का आदेश बताएं। उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप DPI भोपाल में उसकी शिकायत करें। 90% लोग ये चाहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान प्रदेश स्तर से हो, भाई ये संभव नहीं है। सभी चीज़ों का सिस्टम होता है। यदि HM आपकी नहीं सुन रहा तो संकुल प्राचार से बात करो, BO से बात करो, DO से बात करो, लेकिन दिक्कत यह है कि आप किसी से बात करना ही नहीं चाहते, आप खुद किसी से भी बात करना नहीं चाहते, आप उनकी नज़र में बुरे बनना नहीं चाहते, इसलिए ये दिक्कत है तो बिल्कुल शिकायत करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के हम पत्र यहाँ से बना के भेजते हैं, आप लोग जो फोटो खींच कर भेजते हो आधी कहानी तो उसमें हमको ही समझ में नहीं आती कि उसमें आपने लिखा क्या है। आज मैंने 2-3 पत्र दिए जिसमें कम से कम 10-12 लोगों की शिकायतों को मैंने उसमें लगा के दिया। मैंने सूची बनाने का प्रयास किया कि आपका नाम, स्कूल, वर्ग, वो सारी चीज़ों को मैं मेंशन कर दूं, लेकिन हुआ क्या, उसमें आपने ब्लॉक लिखा ना जिला लिखा। भाई जब आप जानकारी नहीं दोगे तो आपका सॉल्यूशन कहाँ से होगा। कुछ लोगों की शिकायतें आई थी कि हमको यथावत नहीं रख रहे, 10-12 लोगों के आवेदन मैंने उसमें लगा के दिए हैं। जिन लोगों को
प्रमोशन के कारण एचएम प्रिंसिपल ने इस विद्यालय आने से मना कर दिया, उनके आवेदन भी हमने लगा के दिए हैं और अन्य अतिथि शिक्षकों के हित में जो साथी किसी भी कारण से बाहर हुए हैं, चाहे वो सीधी भर्ती हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे ट्रांसफर हो, आप सभी को रिक्त पदों पर पुनः आमंत्रित करने के लिए हमने आग्रह किया है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इतने उतावले होने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग यदि ये सोच रहे हैं कि हम सरकार का विरोध करने से आपका भला हो जाएगा, तो ये आप सबकी गलत फहमी है। हम शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, एक मर्यादा में रहकर अपनी बात को रखें। क्या चीज हमको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उन चीजों का भी आप ध्यान रखें। हमने फॉलन आउट अतिथि शिक्षकों को पुनः सेवा में लेने का आग्रह किया है, आवेदन दिया है, और कुछ साथी हमेशा घर बैठकर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश करते हैं। आपकी गालियां देने से कुछ नहीं होना, जो गालियां देते हैं उनसे निवेदन है कि आप सब घर से बाहर निकल के देखें, थोड़ा काम करके देखें। घर बैठकर गालियां देना बहुत आसान है और धरातल पर काम करना उतना मुश्किल है। जो प्रयास कर रहे हैं उनको प्रयास करने दें, ऐसा नहीं है। हम लगातार जितने भी वरिष्ठ साथी हैं जो अतिथि शिक्षकों के हित में काम करते हैं, उन सारे साथियों के संपर्क में हैं, सबसे हमारी बात होती है। वर्तमान में क्या स्थिति है उस पर भी चर्चा होती है, माननीय मंत्री जी से, अधिकारियों से, उनसे भी हम समय समय पर चर्चा करते हैं। और जो भी दिक्कतें आती हैं आपकी, एक एक समस्या को हम तत्काल उनको बताते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। आचार संहिता लगी है, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि जो आदेश हमारी प्रक्रिया में हैं, आज नहीं तो कल होंगे। किसी को ऐसा लगता है कि आचार संहिता लगने के कारण नहीं होंगे, कुछ लोग कहते हैं अधिकारी आपको गुमराह कर रहा है, हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन हम आशावादी हैं, हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर हमने काम किया है और आज भी हम पॉजिटिव सोच लेकर काम कर रहे हैं। हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि हम अतिथि शिक्षकों के हित में जो भी अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। आप सभी को विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभागीय परीक्षा का जो बोला है, विभागीय परीक्षा के आदेश भी जल्दी से जल्दी हो, हमारा प्रयास है। वर्तमान शिक्षक भर्ती में आरक्षण और बोनस अंक भी हमको मिले, ताकि सीधी भर्ती में भी हमारे साथी स्थायी हो सकें और विभागीय परीक्षा के माध्यम से भी हमारे साथी स्थायी हो सकें। जो चीज हमको मिली है, मध्य प्रदेश सरकार ने जो चीज हमको दी है, हमको उसको स्वीकार करना चाहिए और जो चीज नहीं मिली उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। हम किसी के समर्थक या विरोधी नहीं है। आप भी इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो सरकार ने आपको दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करें। निश्चित तौर पर समस्या है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी अतिथि शिक्षक को बेरोजगार नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आदेश अभी बीच में इस तरह के जारी हुए और उन आदेशों के कारण हमारे जो साथी हैं वो बाहर भी हुए। जो बाहर हो गए उनके लिए भी हमने प्रयास किया, आज भी प्रयास कर रहा है कि रिक्त पदों पर सिर्फ पुराने अतिथि शिक्षकों को ही काम करने का अवसर मिले। जो प्रमोशन के कारण बाहर होने की जिनकी आशंका है, उनके लिए भी लिखा है कि उसी संकुल में, उसी ब्लॉक में जहां पर रिक्त पद है, आप हमारे अतिथि शिक्षक साथियों को मर्ज करें। जो भी बेहतर व्यवस्था रही बात अनुबंध की, कल भी मैंने कहा कि अनुबंध की प्रक्रिया भी चल रही है, शिक्षा मंत्री जी भी लिख चुके हैं और अधिकारी भी अपनी तरफ से आपकी फाइल को बढ़ा चुके हैं। जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि आपको अभी तक
गर्मी की छुट्टियों का जो पैसा है वो नहीं मिलता था। अब आपका जो सेवा काल है 12 माह का सेवा काल है, इसलिए वित्त विभाग की अनुमति भी उसमें लगती है। उसके लिए वित्त विभाग में आपकी फाइल भेजिए। तो आप सब शिक्षक हैं, धैर्य रखें, किसी भी वर्ग का अहित नहीं होगा, किसी भी वर्ग के साथ गलत नहीं होने देंगे। हम आज भी जो हमारे साथी जुलाई से काम कर रहे हैं, बाबू और प्राचार्यों की गलती के कारण जिनका नाम ऑनलाइन नहीं हुआ है, उनके लिए भी हमने बात की है कि आप जल्दी से जल्दी सभी के नाम पोर्टल पर दर्ज करवाएं ताकि समय से उनको मानदेय का भुगतान हो सके। क्योंकि वैसे भी अतिथि शिक्षकों की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, अतिथि शिक्षकों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है, इसलिए वो साथी भी चिंता ना करें जिनके नाम ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। सभी के नाम ऑनलाइन हो जाएंगे। कुछ साथी दूसरी जगह जिनका नाम चल रहा है लेकिन वो दूसरी जगह जाना चाहते हैं, आप लोगों के सवाल मुझ तक आते रहते हैं, तो जो जहां ज्वाइन है कम से कम मेरा सुझाव है कि अभी आप वहीं ज्वाइन बने रहो। ज्वाइन बने रहोगे तो आपको दूसरी जगह कहीं ना कहीं काम करने का अवसर मिल जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोलकर क्या करेंगे, हमें झूठ बोलने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है और ना झूठ बोलेंगे। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास करना हमारे हाथ में। दो दिन से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे हमारी चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन जो आवेदन निवेदन था, जो लेटर हमको लिखना था, वो हम आप सबके हित में दे चुके हैं। अनुबंध का आदेश भी हो जाएगा, आप लोगों की ऑनलाइन फीडिंग भी हो जाएगी। जिनको लगता है कि फर्जी बात कर रहे हैं, आप असली बात करना शुरू कर दो, जाओ विरोध करो सड़क पे, यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। यदि किसी को ऐसा लगता है कि हम गलत कह रहे हैं तो आप सही बोलो जाके, और जो सही है वो तो सही है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। हम जो भी अतिथि शिक्षकों के हित में है वो कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी अतिथि शिक्षकों के हित में हम कार्य कर रहे हैं और इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। किसी को दिक्कत है आप खूब चिल्लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरी एक नई बात मैं आप सबको कहना चाह रहा हूँ कि हम अतिथि शिक्षक समन्वय समिति का विस्तार करने जा रहे हैं, और उसके लिए जो भी प्रदेश के साथी अतिथि शिक्षकों के हित में कार्य करना चाहते हैं वो अतिथि शिक्षक समन्वय समिति का सदस्यता फॉर्म भरकर जमा करें। उसका जो फॉर्मेट है गुप्ता जी आपको भेजेंगे, आप उसको भरकर भेजिए ताकि एक दो दिन में पूरी समिति का पुनर्गठन हो सके और जितने भी वर्तमान में जिलाध्यक्ष साथी थे आप सभी को प्रदेश कार्यकारिणी में समायोजित करेंगे। सभी जिलों में एकदम से नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, इसलिए जो पुराने साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, आप सभी नए लोगों को आगे लाने का प्रयास करें, उनका सहयोग करें, और जो वास्तव में समय दे सकता है वो संगठन से जुड़े, नाम मात्र के लिए जुड़कर अपना समय खराब ना करें, अपना नाम खराब ना करें, क्योंकि संगठन में जिम्मेदारी लेकर काम करना पड़ता है, भागदौड़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बैठकर काम करते रहेंगे, पूरी की पूरी टीम जिनको समन्वय समिति पर विश्वास है, जो अतिथि शिक्षक समन्वय समिति पर विश्वास करते हैं, आप सब समन्वय समिति से जुड़ें, और जिनको विश्वास नहीं है वो बिल्कुल ना जुड़ें। किसी के हाथ जोड़ने ना हम जाएंगे ना हमारी टीम जाएगी। यदि पूरे प्रदेश में हमारे 1000 लोग भी हैं तो हम 1000 लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे, 69000 लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। सामूहिक रूप से हम सभी के हित में
काम करते हैं, जो भी दिक्कत आती है उसको हम अपने से शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं भी हमारे पास आती हैं। जब व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करते हैं, आपके जो भी लेटर, जो भी कागज आप हमको व्हाट्सएप करते हैं, वो यहाँ निकाल कर दो दो तीन तीन प्रति में उनको एक जगह से दूसरी जगह देते हैं, उनको एक बार में काम नहीं होता तो दूसरी बार देते हैं। इन सारी चीज़ों में पैसा खर्च होता है। यदि किसी से 50 रुपये ले लिए तो लोग उसका प्रचार करते हैं कि वो तो पैसे कमा रहा है। आज मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति सिर्फ उसी व्यक्ति का काम करेगी जो अतिथि शिक्षक समन्वय समिति का सदस्य होगा। 120 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क है, और जो पदाधिकारी बनना चाहते हैं अतिथि शिक्षक समन्वय समिति की जो नियमावली है उसके अनुसार 500 रुपये आजीवन सदस्यता शुल्क है। सह संरक्षक जो साथी बनना चाहते हैं 1000 रुपये उसका शुल्क है। तो जिस सदस्यता को आप लेना चाहते हैं, चाहो तो वार्षिक सदस्यता ले लो, जिसको आजीवन सदस्यता लेना है पदाधिकारी बनना है वो आजीवन सदस्यता ले लो, जिसको प्रदेश कमेटी में रहना है संरक्षक बन के रहना है वो संरक्षक सदस्य की सदस्यता ले लो। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहती हैं, हर संगठन का नियम होता है और उसी नियम के अनुसार हम भी जो काम कर रहे हैं वो अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के नियम के अनुसार हम काम कर रहे हैं। वो इसलिए ताकि जो बार बार गाना गाते हैं कि ये पैसा कमा रहा है, तो वो सारा रिकॉर्ड जब भी ऑडिट होगी, भविष्य में नियम के अनुसार जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया होती है वो सारी फॉर्मेलिटीज हम पूरी करेंगे, और अतिथि शिक्षक समन्वय समिति ना तो किसी अन्य संगठन से जुड़ेगी ना किसी अन्य पार्टी से जुड़ेगी। हम स्वतंत्र रूप से पहले भी काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं, और जो जुड़े हैं वो बड़े परेशान हैं कि उन्होंने जो कुछ दिया था, जो मांगे उन्होंने की थी, कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्र संगठन होने के बाद भी अतिथि शिक्षक समन्वय समिति ने जो मांगा था उसमें से 70% मांगे सिर्फ अतिथि शिक्षक समन्वय समिति ने जो दी थी वो सरकार ने स्वीकार की हैं, वो दी हैं। जो आदेश हो गए वो भी और जो होंगे वो भी। अन्य किसी भी संगठन की एक भी मांग सरकार ने संज्ञान में नहीं ली। किसका कितना अस्तित्व है ये आप सब अच्छे से समझ सकते हो। पोर्टल कब खुलेगा, पोर्टल के लिए हम लिख चुके हैं, बातचीत हो गई है, आप चिंता ना करें, 2-4 दिन में आप सभी की इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। जैसे ही अधिकारी वापस आते हैं या तो DPI से आपका ऑनलाइन हो जाएगा या फिर यहाँ से सूची जाएगी और उसके बाद संकुल से ही आपका ऑनलाइन हो जाएगा। जो भी प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी, आप सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी, और जो भी आपको दिक्कतें हैं आप व्हाट्सएप पर आप हमको लिख के भेज देना। जो प्रयास करें कि छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप जिला स्तर पर करें। प्रदेश स्तर की जो दिक्कतें हैं आप जब भी लिखकर भेजेंगे, वो दिक्कतें उनका सॉल्यूशन हम भोपाल से भी करेंगे, लेकिन अब एक सिस्टम 1-2 दिन में हम बना रहे हैं कि हम उसी व्यक्ति से बात करेंगे जो हमारे संगठन का सदस्य है। आप सदस्यता क्रमांक हमको बताएंगे, उसके बाद ही हम आपकी शिकायत झेलेंगे, उसके बाद ही आप से चर्चा करेंगे। बाकी अन्य किसी से आपको चर्चा करना है आप करते रहना। यदि व्यक्तिगत मुझसे आपको शिकायत का समाधान करवाना है तो संगठन का मुखिया होने के नाते मैं सिर्फ अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के सदस्यों के प्रति जिम्मेदार रहूँगा। आप बताएंगे बिल्कुल, आप 120 रुपये वार्षिक की सदस्यता लेंगे, साल भर आप जब भी कोई भी आपको दिक्कत है हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, हर कदम पर खड़े मिलेंगे, हर संभव आपकी मदद करेंगे। और जो चिल्ला रहे हैं वो चिल्लाएं, खूब चिल्लाना, बिल्कुल माय रिकॉर्ड के बताएंगे कि हाँ समन्वय समिति क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जिसको गाली देना हो उनके लिए भी बता चुके कि जिसको भी अब हमने पब्लिकली ये देखा उन पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। संगठन
किस तरह से चलाते हैं वो भी हम आप सबको बताएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, जो बातें हमको शासन प्रशासन से करना था वो कर चुके। आदेश हो सकता है दो चार दिन में भी जारी हो जाए और हो सकता है कि आचार संहिता के बाद भी जारी हो, अभी तक ये चीज़ स्पष्ट नहीं है, लेकिन आदेश हमारे प्रक्रिया में है, ये सही है। इस चीज़ को हम भी स्वीकार करते हैं, मंत्री और अधिकारी भी वही चीज़ बोल रहे हैं, इसलिए हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम ना तो मंत्री हैं ना अधिकारी हैं, हम भी आपके ही साथी हैं, हम सिर्फ प्रयास करना हमारा काम है, प्रयास कर रहे हैं।